मंडला से एक बड़ी जानकारी। बस स्टैंड के पास एक टी स्टॉल पर उस समय सनसनी मच गई जब यहां पर पोहा खाने गए दो युवकों पर तीन अपराधियों ने चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद दोनों की हालत गंभीर हो गई है, जबलपुर रेफर किया गया है। पूरे मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अपराधी होटल के प्रयोग में आने वाले झारे से युवक के साथ मारपीट करते हुए नजर आते हैं। अपराधी पर जिला बदर की कार्रवाई भी हो चुकी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बीच में लड़ाई हुई है जिसमें कि एक संदीप भीमानंदा है, उसने चाकू मार के राहुल पटेल को घायल कर दिया है और दो एक लोग और अन्य घायल हुए हैं। इसमें संदीप भीमानंदा के साथ दो से तीन युवक और सम्मिलित होने की आशंका है जिनको ढूंढा जा रहा है। इसमें इनके बीच में पूर्व में भी कुछ बातचीत हुई है जिसके संबंध में अभी चूंकि जिनको चाकू हुआ है जो पीड़ित है वो अभी बोलने की स्थिति में नहीं है। जबलपुर में भी पुलिस की टीम गई है और यहाँ भी तफ्तीश की जा रही है कि ऐसे क्या कारण रहे जिसकी वजह से ये विवाद की स्थिति निर्मित हुई। और अब बात करेंगे सिवनी से मिल रही बड़ी खबर की। पानी को लेकर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया है। पेयजल संकट पर ग्रामीणों ने हंगामा किया, परेशान ग्रामीणों ने चक्का जाम किया है। छपारा आधे गांव सड़क को जाम कर रखा है यहां पर लोगों ने। छपारा जनपद पंचायत के डांगावानी का ये पूरा मामला, ग्रामीणों को समझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। पुलिस प्रशासन यहां पर मौजूद है, ये कोशिश की जा रही है कि ग्रामीणों को समझाया जा सके। और उसके बाद इस तरह के दृश्य को यहां पर देखा गया कि चक्का जाम करते हुए हंगामा करते हुए ग्रामीण लगातार नारेबाजी कर रहे थे। फौरन पुलिस के आला अधिकारी यहां पर पहुंचे, लगातार कोशिश चल रही है कि ग्रामीणों को समझाइश दी जा सके। परेशान ग्रामीण यहां पर चक्का जाम किए हुए हैं। छपारा आधे गांव सड़क को लेकर ये जाम, साथ ही साथ पानी की समस्या को लेकर सिवनी से अक्सर इस तरह की जानकारियां सामने आती रही हैं। अब चूंकि इस समस्या का समाधान अभी तक प्रशासनिक स्तर पर नहीं हुआ, कई बार शिकायतें ग्रामीण कर चुके हैं, लेकिन अब चूंकि शिकायत के बावजूद कार्रवाई का दौर नहीं देखने को मिला, तो पेयजल संकट को लेकर ग्रामीण काफी परेशान और इसी वजह से चक्का जाम कर दिया है। इस रोड पर जाम की स्थिति, आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित है। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी भी यहां पर पहुंचे हैं, कोशिश की जा रही है कि लोगों को समझाइश दी जा सके। आश्वासन लगातार कार्रवाई को लेकर मिलता है, लेकिन अभी तक पेयजल संकट को दूर नहीं किया गया है। मूलभूत सुविधाएं जो कि लगातार संकट पैदा करती हैं।